लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इन इंडिया इज, यानी बर्थ के कितने दिन के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवा देना अनिवार्य है। इसका ऑप्शन है 7 डेज, बी ऑप्शन है 21 डेज, सी ऑप्शन है 11 डेज और डी ऑप्शन है 51 डेज। अगर फ्रेंड्स आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो प्लीज साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 21 डेज। बर्थ के 21 डेज के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन करवा देना अनिवार्य है। और साथ में एक बात और रिमेंबर रखना, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी 21 डे के भीतर भीतर करवा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, यानी कि हमें मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड बताना है। इसका ऑप्शन ए है 3 to 4 डेज, बी ऑप्शन है 14 डेज, सी ऑप्शन है 21 डेज और डी ऑप्शन है 10 डेज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 3 to 4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइफाइड फीवरीज, यानी कि हमें टाइफाइड का कॉम्प्लिकेशन बताना है। इसका ऑप्शन ए है इंटेस्टाइनल हेमरेज, बी ऑप्शन है इंटेस्टाइनल परफोरेशन, ऑप्शन सी है शॉक और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर क्यों हुआ? क्योंकि टाइफाइड की सीवियर स्टेज में इंटेस्टाइन का परफोरेशन हो जाता है, जिस वजह से इंटेस्टाइनल हेमरेज अक्कर हो जाता है, और इंटेस्टाइनल हेमरेज अक्कर होने की वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर हुआ। इसीलिए टाइफाइड फीवर को क्या बोला जाता है? इंटेस्टाइनल फीवर भी बोला जाता है, यानी कि टाइफाइड फीवर का नाम इंटेस्टाइनल फीवर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेराइज, यानी कि हमें क्वेश्चन में कोलेरा की कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा गया है। इसका ऑप्शन ए है सीवियर डिहाइड्रेशन, बी ऑप्शन है रीनल फेलियर, ऑप्शन सी है शॉक और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर क्यों हुआ? क्योंकि कोलेरा के अंदर सीवियर डायरिया होता है, और सीवियर डायरिया की वजह से पेशेंट के अंदर सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, और सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होगा? किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे और पेशेंट शॉक में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट इज फॉर ए चाइल्ड, यानी कि चाइल्ड के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा रहता है ग्रोथ मेजरमेंट के लिए? इसका ऑप्शन ए है हाइट, बी ऑप्शन है मिडार्म सरकमफेरेंस, ऑप्शन सी है वेट और डी ऑप्शन है थाई सरकमफेरेंस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी वेट। चाइल्ड में सबसे बेस्ट इंडिकेटर रहता है ग्रोथ मेजरमेंट का, वो क्या रहता है? वेट मेजरमेंट। और जो मिडार्म सरकमफेरेंस है वो किस लिए यूज में लिया जाता है? किसी भी चाइल्ड का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करने के लिए। और मिडार्म सरकमफेरेंस किसके द्वारा चेक किया जाता है? साकिर टेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूरल हेल्थ स्कीम वाज ऑन द रिकमेंडेशन बाय विच कमेटी, यानी कि रूरल हेल्थ स्कीम का रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दिया था? इसका ऑप्शन ए है भोर कमेटी, बी ऑप्शन है चड्डा कमेटी, ऑप्शन सी है श्रीवास्तव कमेटी और डी ऑप्शन है मुखर्जी कमेटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, वन बेसिक हेल्थ वर्कर फॉर 10,000 पॉपुलेशन वाज रिकमेंडेड बाय चड्डा कमेटी, यानी कि चड्डा कमेटी ने 10,000 पॉपुलेशन पर वन बेसिक हेल्थ वर्कर के लिए रिकमेंडेशन दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए पर्सन विथ नो साइन ऑफ डिजीज बट में ट्रांसमिट इट कार्ड, यानी कि किसी पर्सन में डिजीज कंडीशन है कोई भी साइन नहीं है बट उस डिजीज कंडीशन को ट्रांसमिट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे? इसका ऑप्शन ए है कैरियर पर्सन, बी ऑप्शन है मीडिएटर पर्सन, सी ऑप्शन है इन्फेक्टेड पर्सन और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कैरियर पर्सन। कैरियर पर्सन वो पर्सन होता है जिसमें डिजीज कंडीशन है कोई भी साइन नहीं रहता बट फिर भी उस डिजीज कंडीशन को 1% to another% के अंदर वो स्प्रेड कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान वाज स्टार्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान कभी स्टार्ट हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 15 अगस्त 2014, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 2014, ऑप्शन सी है 12 मई 2016 और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014। तो स्वच्छ भारत अभियान इंडिया में कभी स्टार्ट हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिजिबल कपल शुड बी रजिस्टर्ड एट, यानी कि जो एलिजिबल कपल होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन या फिर रिकॉर्ड कहां पर मेंटेन किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है CHC, बी ऑप्शन है PHC, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डी ऑप्शन है सब सेंटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सब सेंटर।
एलिजिबल कपल का रजिस्ट्रेशन कहाँ पर किया जाता है? सब सेंटर पर। और इंडिया में एलिजिबल कपल कितने हैं पर 1000 पर? 150 to 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एरिया विल बी रिकमेंडेड बाई, यानी कि रूरल एरिया में थ्री टायर सिस्टम का रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी ने दिया था? इसका ऑप्शन ए है चड्डा कमेटी, बी ऑप्शन है मुखर्जी कमेटी, ऑप्शन सी है भोर कमेटी और डी ऑप्शन है श्रीवास्तव कमेटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, श्रीवास्तव कमेटी। और श्रीवास्तव कमेटी के लिए मैंने दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किए हैं, रीओरियंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन ऑल्सो रिकमेंडेड बाई श्रीवास्तव कमेटी, यानी कि आरओएमई का रिकमेंडेशन भी श्रीवास्तव कमेटी ने दिया था और विलेज हेल्थ गाइड का रिकमेंडेशन भी श्रीवास्तव कमेटी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएचसी विल बी मैनेज्ड बाई, यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? इसका ऑप्शन ए है एसएनओ, बी ऑप्शन है मेडिकल ऑफिसर, सी ऑप्शन है हेल्थ गाइड और डी ऑप्शन है मेडिकल ऑफिसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मेडिकल ऑफिसर। पीएचसी का मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। और जो सब सेंटर है उसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के द्वारा। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लोगन ऑफ डब्ल्यूएचओ 2020, यानी कि मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 2020 का स्लोगन बताना है। इसका ऑप्शन ए है डिप्रेशन लेट्स टॉक, ऑप्शन बी है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर, ऑप्शन सी है सपोर्ट द नर्सेज एंड मिडवाइफ और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सपोर्ट द नर्सेज एंड मिडवाइफ। और 2018 और 2019 का बिल्कुल सेम स्लोगन था, वो क्या था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एंड एवरीवेयर। और 2017 का स्लोगन क्या था? डिप्रेशन लेट्स इट्स टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल मेडिकल केयर इज प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ऑल एक्सेप्ट, यानी कि जो मोबाइल मेडिकल केयर टीम है वो इनमें से कौन सी केयर प्रोवाइड नहीं करती? इनमें से तीन केयर तो प्रोवाइड करती है वो, बट एक केयर कौन सी प्रोवाइड नहीं करती वो ऑप्शन में चूज करके बताना है। इसका ऑप्शन ए है प्राइमरी हेल्थ केयर, बी ऑप्शन है सेकेंडरी हेल्थ केयर, ऑप्शन सी है टर्शरी हेल्थ केयर और डी ऑप्शन है नियर होम केयर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, टर्शरी हेल्थ केयर। जो मोबाइल हेल्थ केयर टीम है वो टर्शरी हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं करती, और कौन कौन सी केयर प्रोवाइड करती है? प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और नियर होम केयर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोड टू हेल्थ कार्ड और द ग्रोथ चार्ट वॉज फर्स्ट डिजाइन बाई, यानी कि रोड टू हेल्थ कार्ड और ग्रोथ कार्ड किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसका ऑप्शन ए है इवान चेडविक, बी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, सी ऑप्शन है डेविड मोरले और डी ऑप्शन है मेंडल। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डेविड मोरले। जो रोड टू हेल्थ कार्ड और ग्रोथ कार्ड है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? डेविड मोरले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मिलियन प्लान इज गिवन बाई विच कमेटी, यानी कि 3 मिलियन प्लान किस कमेटी के द्वारा दिया गया था? इसका ऑप्शन ए करतार सिंह कमेटी, बी ऑप्शन है चड्डा कमेटी, ऑप्शन सी श्रीवास्तव कमेटी और डी ऑप्शन है भोर कमेटी। तो 3 मिलियन प्लान किसके द्वारा दिया गया था? भोर कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट ये भी आपको रिमेंबर रखना है, ए ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट द मैन पावर वॉज प्रपोज बाई श्रीवास्तव कमेटी, यानी कि श्रीवास्तव कमेटी ने ए ग्रुप ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट द मैन पावर का रिकमेंडेशन दिया था। और साथ में एक बात और रिमेंबर रखनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर इज गिवन बाई करतार सिंह कमेटी, यानी कि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट करतार सिंह कमेटी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में फर्स्ट सेंसस कब कंडक्ट हुआ था? इसका ऑप्शन ए है 1882, बी ऑप्शन है 1775, ऑप्शन सी है 1881 और डी ऑप्शन है 1702। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1881 में। 1881 में क्या कंडक्ट हुआ था? इंडिया में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था। और लास्ट टाइम कब सेंसस कंडक्ट हुआ था? 2011 में। और इंडिया में एवरी 10 ईयर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है, और अब कब कंडक्ट होने का अनुमान है? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडआर्म सर्कमफेरेंस इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग, यानी कि जो मिडआर्म सर्कमफेरेंस है वो कॉन्स्टेंट कब रहता है? इसका ऑप्शन ए है 0 to 6 month, बी ऑप्शन है 1 to 10 year, ऑप्शन सी है 1 to 5 year, डी ऑप्शन है 10 year। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 to 5 year। 1 to 5 year के जो चाइल्ड होते हैं उसमें मिडआर्म सर्कमफेरेंस कॉन्स्टेंट रहता है और ये न्यूट्रिशनल स्टेटस को इंडिकेट करता है। और मिडआर्म सर्कमफेरेंस किसके द्वारा मेजर किया जाता है? साकिर टेप के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएमजेवाई वाज लॉन्च्ड इन इंडिया,
यानी कि इंडिया में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब स्टार्ट हुई थी? इसका ऑप्शन ए 2004, बी ऑप्शन 2007, ऑप्शन सी ए 2006 और डी ऑप्शन 2013। तो पीएमजीवाई इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में। और पीएमजीवाई का इनोदर नाम क्या है? आयुष्मान भारत योजना। और पीएमजीवाई करेक्ट कब स्टार्ट हुई थी? 23 सितंबर 2018 में। मोस्ट कॉमन टूल फॉर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर टू प्रमोट हेल्थ इज, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का मोस्ट कॉमन टूल क्या होता है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए? इसका ऑप्शन ए है रेफर द हॉस्पिटल, बी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी है हेल्थ एजुकेशन और डी ऑप्शन है एंटीनेटल केयर। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट भी करते जाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हेल्थ एजुकेशन। किसी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का मोस्ट कॉमन टूल क्या होता है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए? हेल्थ एजुकेशन, यानी कि जो कम्युनिटी के अंदर मेंबर होते हैं उनको हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज, यानी कि हेल्थ एजुकेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है? इसका ऑप्शन ए है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू फैमिली स्टेटस, यानी कि ये फैमिली स्टेटस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बी ऑप्शन है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड्स, यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑप्शन सी है इट शुड बी बेस्ड ऑन पेशेंट एजुकेशन, यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो पेशेंट की एजुकेशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और डी ऑप्शन है इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, यानी कि लिखित रूप में होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इट शुड बी अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड, यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यही हेल्थ एजुकेशन का सबसे मेन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज, यानी कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का साइड इफेक्ट कौन सा है इन ऑप्शन में से? इसका ऑप्शन ए है लिथार्जी, बी ऑप्शन है यूटिकायरिया, ऑप्शन सी है लो ग्रेड फीवर और डी ऑप्शन है जनरलाइज्ड रेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर किसका साइड इफेक्ट होता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। एक इंपॉर्टेंट नोट भी इंक्लूड किया है मैंने कि जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की इंजेक्टेड साइट है उस पर कुछ माइल्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी होती है? रेडनेस, पेन और स्वेलिंग, ये माइल्ड प्रॉब्लम होती है। जबकि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का साइड इफेक्ट क्या होता है? लो ग्रेड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट ऑफ एएनएस विल बी यूज टू डायल्यूट द बीसीजी वैक्सीन, यानी कि कितनी अमाउंट यूज में ली जाती है नॉर्मल सेलेन की बेसिलस काल्मेटिक यूरिन को डायल्यूट करने के लिए? इसका ऑप्शन ए है 2 ml, बी ऑप्शन है 0.5 ml, ऑप्शन सी है 8 ml और डी ऑप्शन है 1 ml। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 ml। बीसीजी की जो वैक्सीन होती है उसको डायल्यूट करने के लिए एएनएस के कितना अमाउंट यूज में लिया जाता है? 1 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टिंग पैप स्मेयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट सर्वाइकल कैंसर इज विच टाइप प्रिवेंशन, यानी कि सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए जो पैप स्मेयर कंडक्ट किया जाता है वो किस टाइप का प्रिवेंशन है? इसका ऑप्शन ए है प्राइमरी प्रिवेंशन, बी ऑप्शन है सेकेंडरी प्रिवेंशन, ऑप्शन सी है टर्शियरी प्रिवेंशन और डी ऑप्शन है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या क्या आता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। और पैप स्मेयर किसको डिटेक्ट करने के लिए डायग्नोसिस किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टफिल एमिनोरिया इज ट्रीटेड बाई, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनको यूज में लेने के बाद जो एमिनोरिया की कंडीशन अक्कर होती है वो किसके थ्रू ट्रीट की जाती है? इसका ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है क्लोनिडीन, ऑप्शन सी है प्रोजिस्ट्रॉन और डी ऑप्शन है क्लोमिफेन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी क्लोमिफेन। जो क्लोमिफेन सिट्रेट है वो यूज में ली जाती है पोस्टफिल एमिनोरिया को ट्रीट करने के लिए। क्लोमिफेन सिट्रेट को यूज में लेने के पीछे पर्पज क्या होता है? ये एक नॉन स्टेरॉयडल एजेंट है जो कि ओव्यूलेशन के लिए स्टिमुलेट करती है। किसको स्टिमुलेट करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवेरियन सिस्टम को। और इसकी वजह से मल्टीपल बर्थ के चांसेज भी इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि कभी कभार जो क्लोमिफेन सिट्रेट है वो ज्यादा ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट कर देती है जिसकी वजह से ओम का सिक्रीशन बढ़ जाता है और मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर मल्टीपल बर्थ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन ऑल्सो नोन एज, यानी कि हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन को अनदर किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए है बैरियर मेथड, बी ऑप्शन है कंबाइंड ओरल पिल्स, ऑप्शन सी है इंट्रायूटराइन डिवाइस
और डी ऑप्शन है रिदमिक मेथड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंबाइंड ओरल पिल्स। हनीमून कॉन्ट्रासेप्शन के नाम से किसी जाना जाता है कंबाइंड ओरल पिल्स को। और इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो मेथड ऑफ चॉइस के रूप में यूज में ली जाती हैं न्यूली मैरिड कपल के लिए, और जो कमर्शियल सेक्स वर्कर हैं उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस कौन सी होती है? बैरियर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट इज, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट में सबसे मोस्ट कॉमन कंपोनेंट कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए है थायरोक्सिन, बी ऑप्शन है LH, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन और डी ऑप्शन है GH। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट होते हैं उसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल पिल्स इनिबिट प्रेगनेंसी बाई, यानी कि जो OCP होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो प्रेगनेंसी को कैसे इनिबिट करती हैं? इसका ऑप्शन ए है बाई इनिबिटिंग ओव्यूलेशन, ऑप्शन बी है बाय डिस्ट्रॉइंग स्पर्म, ऑप्शन सी है बाय डिस्ट्रॉय जाइगोट और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बाय इनिबिटिंग ओव्यूलेशन, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो ओव्यूलेशन को इनिबिट कर देती हैं, क्योंकि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनेडोट्रोपिन के सिक्रीशन को ब्लॉक कर देती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से गोनेडोट्रोपिन सिक्रेट होते हैं? FSH और LH। और जो FSH और LH हार्मोन होते हैं वो ओव्यूलेशन के लिए नेसेसरी होते हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से जो ओव्यूलेशन है वो इनिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन विथ एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस इज, यानी कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस की, जिसको हम बर्ड फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑप्शन ए है पेनिसिलिन जी, बी ऑप्शन है एडिनोफोविर, ऑप्शन सी है ओसल्टामिविर और डी ऑप्शन है मेट्रोनिडाजोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ओसल्टामिविर। ओसल्टामिविर दो डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस होती है, एक तो बर्ड फ्लू की जिसे हम एवियन इन्फ्लुएंजा ए के नाम से जानते हैं और दूसरी स्वाइन फ्लू की, और ओसल्टामिविर को हम टेमीफ्लू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ अमीबेसिस, यानी कि हमें अमीबेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है। इसका ऑप्शन ए है पेनिसिलिन जी, बी ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, ऑप्शन सी है डॉक्सीसाइक्लिन और डी ऑप्शन है मेट्रोनिडाजोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मेट्रोनिडाजोल। अमीबेसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? मेट्रोनिडाजोल। जो मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल है वो एंटी प्रोटोजोआल ड्रग होती हैं, जो कि प्रोटोजोआ को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज में ली जाती हैं। और ये मेनली किसके लिए यूज में ली जाती हैं? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका और लिशमैनेसिस के प्रोटोजोआ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप सिकनेस इज कॉज्ड बाई, यानी कि स्लिप सिकनेस किसके द्वारा होता है? इसका ऑप्शन ए है टेस्ट फ्लाई, बी ऑप्शन है ब्लैक फ्लाई, ऑप्शन सी है हाउस फ्लाई और डी ऑप्शन है मॉस्किटो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए टेस्ट फ्लाई। जो टेस्ट फ्लाई है उसको ब्लड सकिंग फ्लाई के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि साउथ अफ्रीका के सारा डेजर्ट में पाई जाती है। जो टेस्ट फ्लाई होती है वो तो वेक्टर के रूप में वर्क करती है स्लिप सिकनेस का, बट जो मेन कॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन सा होता है? ट्रिपेनोसोमा गैम्बीज, जिसको हम ट्रिपेनोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुकवर्म इंटर द बॉडी थ्रू, यानी कि हुकवर्म बॉडी के अंदर किसके थ्रू इंटर होता है? इसका ऑप्शन ए है फिकोरल रूट, बी ऑप्शन है थ्रू द स्किन, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डी ऑप्शन है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी थ्रू द स्किन। हुकवर्म थ्रू द स्किन बॉडी के अंदर इंटर होता है। और हुकवर्म इन्फेक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? एल्बेंडाजोल एंड मेबेंडाजोल, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एलिमेंटिक ड्रग होती हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मॉस्किटो दैट ब्रीड्स मोस्टली इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, यानी कि इनमें से कौन सा मॉस्किटो आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर में स्टोर होता है? इसका ऑप्शन ए है एनाफ्लीज, बी ऑप्शन है क्यूलेक्स, ऑप्शन सी है एडिस और डी ऑप्शन है मोनसेनोडीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एडिस। जो एडिस मॉस्किटो होता है वो तो आर्टिफिशियल एक्यूमुलेटेड वाटर में जाके स्टोर होता है, जबकि जो एनाफ्लीज और क्यूलेक्स हैं वो डर्टी वाटर में स्टोर होते हैं, यानी कि एडिस तो साफ पानी में स्टोर होता है और एनाफ्लीज और क्यूलेक्स डर्टी वाटर यानी कि गंदे पानी में जाके स्टोर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।